फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद एक बार देश में लव जिहाद का मामला गर्म हो गया है। इसको लेकर हिंदू संगठन कथित तौर पर लव जिहाद रोकने के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको लेकर कानून बनाने के संकेत दिए। रोहतक में मीडिया ने जब मुख्यमंत्री से पूछा कि चुनाव में बीजेपी लव जिहाद पर कानून बनाने की बात की थी, तब इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने जो वादे जनता से किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। जो वादे किए थे सबके ऊपर काम हो रहा है और यथा समय सारे काम हो गए। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमने विकास के लिए जो कुछ वहाँ के लोगों की मांग थी उसके ऊपर काम कर दिए हैं। आगे के जो वायदे हैं उनको बता दिया कि 11 तारीख के बाद सारे शुरू होंगे। किसी प्रकार का कोई जात पात का मुद्दा वहाँ निकिता को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन भी लोगों ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौना अपराध को करने की योज में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। देखिए ये तो अपराध में संलिप्त कौन कौन है, जिसकी संलिप्तता इस अपराध में मिलेगी उन सबके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के जात पात को मुद्दा बनाने को भी सीएम ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मुद्दा विकास है। पिछले 4 महीने में सरकार ने इलाके के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तब तक जब तक नया विधायक नहीं आता, जब तक विधायक तो विधायक के नाते मुख्यमंत्री के नाते आपने विकास कार्य करवाए। मैंने 165 करोड़ रुपया पिछले 4 महीने में इस विधानसभा क्षेत्र में लगवाए। अस्पतालों की स्थिति है, वहाँ पढ़ाई के नाते से जो व्यवस्थाएं करनी वो हमने की है, वहाँ जो काम लोगों ने बताया, ग्राम पंचायतों में भरपूर पैसा भेजा है गली नाली बनाने के लिए भरपूर काम। निकिता हत्याकांड के बाद देश के हिंदू संगठन एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि हिंदू संगठनों का दबाव कितना रंग लाता है।